वहीं बोकारो जिले के उत्तरी विस्थापित क्षेत्र गांव धनखरी में 10 घरों में रेलवे और जिला प्रशासन की ओर से बुलडोजर चलाया गया। ये वो 10 घर है जो बोकारो तुबकाडी तलगाड़िया रेलवे लाइन दोपहरीकरण में बाधक बन रहे थे। रेलवे और जिला प्रशासन की ओर से अली सुबह घरों में बुलडोजर चलाया गया। बताते चले कि इन घरों में रहने वालों लोगों को कई बार नोटिस दिया गया था। आज जिला प्रशासन और रेलवे की टीम ने गांव पहुंचकर 10 घरों में बुलडोजर चला दिया। इस दौरान ग्रामीण घरों को तोड़े जाने का विरोध करते रहे। ग्रामीण और पुलिस के बीच नोकझोंक और तकरार हुआ। इस दौरान महिलाओं के आंख से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। सभी अपने घरों के सामानों को निकालकर बाहर कर रहे थे। बताते चले कि यहां रह रहे लोगों को थोड़ा सा भी नहीं था कि जिस घर में हमने रात गुजारी है उस पर सवेरे सवेरे बुलडोजर चला दिया जाएगा। चल रहा है, हम पूछ रहे हैं, हम यही दिन देखने के लिए बीएसएल कारखाना को जमीन दिए थे और बीएसएल चुपके चुपके रेलवे से करार कर लिया और उसको जमीन दे दिया है। मेरे जमीन अभी पूरा आंशिक भुगतान हुआ है, पूरी तरह भुगतान किया नहीं। एक चीज बताइए, आप लोग घर में सामान है, कितना जल्दी आएगा, कोई जानकारी था आपको? कुछ नहीं जानकारी है हम लोग को, कुछ नहीं जानकारी है, जरा सा भी जानकारी नहीं है हम लोग को। कितना घर में सामान है कहाँ फेंक देंगे हम लोग? चल गया, हम लोग कहाँ रहेंगे? कहाँ रहेंगे? कहीं ठिकाना भी नहीं दे रहा रेलवे वाला, हम लोग को ठिकाना दीजिए कहीं। अनुमंडल पदाधिकारी चास के आदेशानुसार ये रेलवे का जो रेलवे के भूमि पे जो अतिक्रमण इसको हटाया जा रहा है, इसमें करीब झारखंड पुलिस और रेलवे के पुलिस के मिलाकर कुल 1.5। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।